मुन्ना हजारे विगत 5-6 साल से कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इतना सब कुछ हो रहा है इस देश में, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई इतनी बढ़ गई, फिर भी अन्ना हजारे चुप है। इसलिए इस देश की जनता पूछ रही है, कहां मर गए हो अन्ना हजारे तुम? जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है और होना भी चाहिए, इसलिए कि अन्ना हजारे ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए जो आंदोलन खड़ा किया था, इस देश की सारी जनता उनके साथ खड़ी थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार यानी मोदी की सरकार चुनकर आई, तब से अन्ना हजारे का कहीं अता पता नहीं। क्यों खामोश है अन्ना हजारे? या फिर कांग्रेस की सरकार को गिराने और बीजेपी की सरकार को लाने का एक ही मकसद था अन्ना हजारे का? देश की जनता पूछ रही है। अन्ना हजारे के लोकपाल के लिए किए गए आंदोलन से केंद्र में बीजेपी की सरकार तो आई, किंतु लोकपाल की नियुक्ति तो दूर की बात ही रही। इस देश का लोकतंत्र भी बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार ने खत्म कर दिया और सारी सरकारी संस्थाएं उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। लॉकडाउन में सैकड़ों लोग भूख प्यास से मर गए, सैकड़ों प्रवासी मजदूर एक्सीडेंट में मर गए, किंतु मोदी सरकार इसके बारे में जानती तक नहीं। कोई आंकड़े या जानकारी उनके पास नहीं है, शर्म की बात है। नोटबंदी में सैकड़ों लोग कतार में मर गए, GST के समय हजारों लोग बेरोजगार हो गए, लॉकडाउन में हजारों लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गए, 40 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीनी गई, फिर भी अन्ना हजारे खामोश है, मौन है। इस देश की जनता पूछ रही है, कहां गए हो अन्ना हजारे तुम? आप देख रहे हैं मुकनायक इंडिया TV। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें।